अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वी यू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस ACCC 501 का लेक्चर नंबर 2। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की जानिब। लेक्चर नंबर 2 की जो सब हेडिंग है, वाई स्टडी फाइनेंस, फाइनेंस को क्यों पढ़ना चाहिए, उसमें सबसे पहले दे रहे हैं मार्केटिंग एंड फाइनेंस। मार्केटर्स के मार्केटिंग के लोग जो हैं, वो उनका फाइनेंस से क्या रिलेशनशिप है, यानी कि जो मार्केटर्स हैं उनको बजट वगैरह बनाना पड़ता है और बजट जो है वो फाइनेंस के थ्रू बनता है। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कि कितनी कॉस्ट आ रही है और उसमें से कितना बेनिफिट आएगा इस प्रोजेक्ट में, तो वो कर रहे होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी होती है, यानी कि एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट कितना आ रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, फिर उस पर लेबर कॉस्ट कितने ऐड हो रही है, ओवरहेड कॉस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें कॉस्टिंग करनी पड़ती है। तो ये मार्केटर्स को करनी पड़ती है, तो इसमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का रिलेशनशिप बता रहा है कि फाइनेंशियल डिसीजंस मेक करने होते हैं, उसके लिए फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे इनकम स्टेटमेंट वगैरह बन रहा होता है, बैलेंस शीट बन रही होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनेंस आती तो अकाउंटिंग से, ये इन्फॉर्मेशन सारी अकाउंटिंग के मेथड्स को फॉलो करते हुए बैलेंस शीट बन रही होती है, इनकम स्टेटमेंट बन रहा होता है, जो टर्मिनोलॉजीज़ जो मेथड्स उसमें यूज़ होते हैं वो हमें अकाउंटिंग बताती है, लेकिन फाइनेंस वाले उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि वो एक ऑथेंटिक रिजल्ट आ सके। उसके बाद मैनेजमेंट एंड फाइनेंस है कि मैनेजमेंट का फाइनेंस से क्या ताल्लुक है। तो देखें, बिजनेस स्ट्रेटजी बिल्कुल भी ये बोल रहे हैं कि बिजनेस स्ट्रेटजी इज़ ऑलवेज डिजास्ट्रस, यानी कि अगर बिजनेस स्ट्रेटजी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, बल्कि वो बोलते हैं कि एक आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की गई, यानी कि आप ने अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की। मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है फाइनेंस के साथ, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो ही आप एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, तो ये बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पिछले लेक्चर में भी हमने इसकी बात की थी, आप पिछला लेक्चर देख लें, उससे काफ़ी पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है, इसके तमाम तर लेक्चर्स जो हैं ये एक वर्टिकल वे में चलते हैं, यानी कि पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, फिर उस कॉन्सेप्ट को आगे लेके ये डीप में जाते रहते हैं। तो आपने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहला लेक्चर देखें, सिर्फ 7 से 8 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, यानी कि कोई भी लेक्चर स्किप ना करें। तो इसमें वर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएंगे, जैसे रियल इस्टेट में बिजनेस इन्वेस्ट करता है, अपना प्रॉफिट दोबारा बिजनेस के अंदर लगा दें, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकती है, स्टॉक्स वगैरह में होती है, कंपनी जो है वो बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है, तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आती है। अब दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं, फ्रॉम वेयर टू गेट द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू पे फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो पे कर सकें। जैसे बैंक से लोन वगैरह लेते हैं, लोन लेके उसको प्रॉफिट में लगाया हुआ होता है और फिर किसी और बैंक से लोन ले लिया जाता है, कि अगर इन्वेस्टमेंट जो हमारा प्रॉफिट हम मेजर कर रहे हैं वो प्रॉफिट तो आएगा लेकिन उतने टाइम तक नहीं आया कि हमें इन्वेस्टमेंट देनी होती है, तो लोन के ऊपर भी लोन लिया जाता है, या एक इन्वेस्टमेंट जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है रियल इस्टेट में और अब आपने एक बैंक से लोन लिया है और आप देख रहे हैं कि वो लोन पे नहीं कर सकते या प्रॉफिट नहीं हुआ है, जो कोई मसला हुआ है, तो आप वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी रियल इस्टेट में उसको आप सेल करके यहाँ पे आप लोन को पे कर देते हैं एंड देन ग्रेजुअली आपको प्रॉफिट होता है। क्या आप किसी और ओनर को ले आते हैं कि मनी कि वो आगे पैसा लगा दे, जैसे सरमायाकार पैसे वगैरह लगाते हैं, इस तरीके का होता है। हाउ टू मैनेज एवरीडे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, तो ये तीन बहुत ज़्यादा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी इन्वेस्टमेंट को पे करने के लिए, और किसी और ओनर को लाकर हम अपने साथ पार्टनर बना सकते हैं, और किस तरीके से डेली की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज होंगी, इस को बिजनेस फाइनेंस जो है डील करता है। तो ये आ सकती है, तो डेफिनेशन आपने सिर्फ ये याद करना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पेमेंट कहाँ से होगी, और एवरी डे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो ये बिजनेस फाइनेंस की एक सिंपल डेफिनेशन है, फ्रॉम वेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड कम, फ्रॉम हाउ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस टू पे फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड हाउ टू डील विद डेली, और हाउ टू डील एंड मैनेज एवरी डे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है बिजनेस फाइनेंस की। फाइनेंशियल मैनेजर क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजर जो है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने होते हैं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन या JD जिसको कहते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज वेल एज स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दिखाया जा रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एंड देन उसके अंडर जो है CEO होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड देन COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड उसके देन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं। तो ये एंड आ रहा है कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कहा जाता है और बाज़ जगह CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है, बाज़ जगहों पर प्रेसिडेंट कहा जाता है एंड देन बाज़ जगह पर COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड देन सिंपल इन द सेम वे वाइस प्रेसिडेंट एंड CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इनके नीचे आ जाते हैं ट्रेजरर, जो कि खजानची होते हैं उर्दू में, कैश मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर जो होते हैं, कैश वगैरह दे रहे होते हैं, क्रेडिट मैनेजर जो होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है,
टैक्स मैनेजर जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, डेटा प्रोसेसिंग, ये सारे मामला जो हैं इनके आ रहे होते हैं। उसके बाद बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजर, इन दोनों की चीज़ें बता रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजर के बीच में क्या डिसीजन है या क्या इनकी रिलेशनशिप होती है, क्या वर्किंग करनी पड़ती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन में तीन डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल बजटिंग करनी होती है, जैसे कैपिटल आपको पता होगा कि कैपिटल में मशीनरी आ जाती है और आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है बिजनेस के अंदर। तो जितनी भी चीज़ें कैपिटल से रिलेटेड हैं, आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो अगर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैपिटल क्या चीज़ें होती हैं। कैपिटल सिंपल ये होता है कि ओनर कितना अपना पैसा बिजनेस में लगाता है। एक सिंपल सी मिसाल ले लें कि ओनर ने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, अगले साल उसको 5 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ, तो अब वो दोबारा 5 लाख के 5 लाख पूरे इन्वेस्ट करना चाह रहा है या तो फिर वो 1 लाख प्रॉफिट अपना आउट कर रहा है और 4 लाख रुपीज़ दोबारा इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो ये कैपिटल कहलाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, कैपिटल बजटिंग बता रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग अ फर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये मैंने पर्पल हाईलाइट इसलिए किया है कि जो चीज़ें पर्पल से हाईलाइटेड हैं मे बी पॉसिबल उसमें से क्विज आ जाए, तो ये हो सकता है कि द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब उसके नीचे वो दे दे कि ये क्या कहलाता है, तो ये कैपिटल बजटिंग आप कह सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग कहलाता है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजर इवेल्युएटिंग द साइज, टाइमिंग एंड रिस्क ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, तो फाइनेंशियल मैनेजर की क्या जिम्मेदारी होती है, फाइनेंशियल मैनेजर इवेल्युएट करता है कि कितना साइज होना चाहिए कैपिटल का, क्या रिस्क है, फ्यूचर कैश फ्लो क्या है, ये सारी चीज़ें जो है कैपिटल बजटिंग की आती है। उसके बाद दिखा रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ एसेट किस तरीके से निकलती है, करंट एसेट, करंट एसेट में कौन कौन से एसेट इन्वॉल्व होते हैं, फिक्स एसेट, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। उसके बाद बोला टोटल फर्म वैल्यू टू इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो तीन चीज़ों को देखते हैं, करंट लाइबिलिटीज, आपके ऊपर कर्जा कितना है, लॉन्ग टर्म डेब्ट आपके क्या है यानी कि लॉन्ग टर्म पे कितने लोन आपने लिए हुए, शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं कितने लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, ये आपकी स्टॉक मार्केट से आपको डिटेल पता चल जाती है। कैपिटल बजटर डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो लेते हैं वो आप किस चीज़ को देखते हुए लेते हैं कि व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी फर्म इंगेज इन, कि कौन सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर फर्म ने इंगेज किया हुआ। जैसे आप मिसाल ले लें किसी बड़े ग्रुप की, जैसे आप मिसाल ले सकते हैं HOH हाउस ऑफ हबीब ग्रुप की आप मिसाल ले लें, तो बैंकिंग सेक्टर में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, ऑटोमोटिव सेक्टर में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन सेक्टर में उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो ये देखते हैं कि हाँ जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा होता है या कैपिटल बजटिंग की डिसीजन आप ले सकते हैं कितनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फर्म जो है वो इंगेज है। अगर एक सेक्टर में उनको खुदा ना खासा लॉस होता है तो दूसरा सेक्टर उनका प्रॉफिट दे रहा होगा, वो प्रॉफिट यहाँ पर लाके वो अपने सेक्टर को जो है सहारा दे सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद है कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग डिसीजन, ये आगे जाके डिटेल में बात होगी, अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वर्टिकल वे में चल रहे होते हैं लेक्चर्स, पहले लेक्चर में आपको बेसिक डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजीज़, ये सारी चीज़ें बताई, अब आपको थोड़ा डीप में जाके बता रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या होता है, हाउ कैन द फर्म रेज द मनी फॉर रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, कि फर्म कहाँ कहाँ से जो है वो पैसे इकट्ठे कर सकती है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह होती हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी, स्टॉक्स वगैरह, स्टॉक्स इशू करती है कंपनी, बॉन्ड्स इशू करती है, उसके थ्रू वो करते हैं। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में फाइनेंशियल मैनेजर का मकसद ये होना चाहिए कि वो पाई का साइज़ इंक्रीज़ करें, जैसे 30% ओनर इक्विटी है यानी कि ओनर अपने पैसे लगा रहा है, 70% डेब्ट पे चल रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल मैनेजर का डिसीजन होना चाहिए कि वो जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट में ज़्यादा से ज़्यादा ओनर इक्विटी की तरफ जाए, क्योंकि उसमें आपको रिस्क नहीं होता। यानी कि अगर 40% ओनर इक्विटी है, खुदा ना खास्ता आपको 60% डेब्ट देने हैं, तो आपके ज़्यादा पैसा अपना लगा हुआ, तो इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ अ पाई, ये एक फाइनेंशियल मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। एक आपको सिंपल समझाने के लिए बताया गया, आगे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस होगा। नेटवर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हाउ मच शॉर्ट टर्म कैश फ्लो डज अ कंपनी नीड टू पे इट्स बिल, इसमें रूल ऑफ थंब अप्लाई होता है। रूल ऑफ थंब से मुराद ये है कि कंपनी के पास कम से कम 3 से 6 महीने का कैश मौजूद होना चाहिए, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का कैश मौजूद होना चाहिए, जिसके थ्रू वो अपने बिल्स, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और ये सारी चीज़ें हैं जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन एक पे कर सके। उसके बाद ये फॉर्म्स ऑफ फर्म की तरफ चले जा रहे हैं, द कॉर्पोरेट फर्म क्या होती है, द स्टैंडर्ड मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इनकाउंटर राइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, यानी कि कॉर्पोरेट फर्म जो होती है वो होती है कि स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करती हैं सॉल्विंग द प्रॉब्लम, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है तो कॉर्पोरेट फर्म इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 3 मेजर फॉर्म होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप
पार्टनरशिप के अंदर दो सब रहते हैं, पार्टनरशिप जनरल हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है, कॉरपोरेशन में लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आ जाती है। आगे इनको डिटेल में बताया जा रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एक अकेला बंदा कोई दुकान या कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करता है तो एक अकेला ओनर होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इजी टू स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती जो पूरी करनी पड़ती है। टैक्स यानी कि आपको एक ही दफ़ा टैक्स देना पड़ता है। ऑपरेशन में क्या होता है कि आपके पास सैलरी आती है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन टैक्स पे करती है एंड देन आप दोबारा टैक्स पे करते हैं, तो डुअल टैक्स होता है यहाँ पे, एक ही दफ़ा टैक्स होता है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड टू लाइफ ऑफ ओनर। अगर खुदा ना खासा ओनर का इंतकाल हो जाता है तो कितनी दफ़ा आपने देखा होगा, अगर एक सिंगल बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है तो जब उनके बच्चे वगैरह टेक ओवर करते हैं या ओनर को कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो है वो बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाता। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है यानी कि जितना नुकसान बिज़नेस को हुआ उतना ही आपको होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। तो आप पार्टनरशिप जो है जैसे कि हमने ऊपर बताया जनरल और लिमिटेड जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, ऑल पार्टनर्स जो हैं वो गेन एंड लॉस शेयर करते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी सबका, नुकसान हुआ तो भी सबका। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होती है, दो या तीन, अगर तीन पार्टनर्स की आप मिसाल ले लें तो दो पार्टनर्स जो हैं वो सेम गेन एंड लॉस को शेयर करेंगे, लेकिन एक पार्टनर जो है वो थोड़े से ही पैसे लगाता है और वो बोलता है भाई आप लोग बिजनेस चलाएं, जितनी इन्वेस्टमेंट है वो मैं कर देता हूं। लेकिन उसमें ये होता है कि उस पार्टनरशिप की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि अगर उसने 1,00,000 रुपये बिजनेस में लगाया और बिजनेस को नुकसान हुआ तो उसको 1,00,000 का ही नुकसान होगा, बाकी दो जो पार्टनर्स हैं उनको ज़्यादा नुकसान होगा। एडवांटेजेस क्या हैं, दो या दो से ज़्यादा ओनर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल होता है क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी की सूरत में लिमिटेड पार्टनरशिप की सूरत में लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। पार्टनरशिप डिसॉल्व व्हेन वन पार्टनर डाइज और विशेस टू सेल, यानी कि पार्टनरशिप देखते हैं नॉर्मली इतनी ज़्यादा नहीं चलती क्योंकि एक पार्टनर का अगर खुदा ना खास्ता इंतकाल हो जाता है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है कि उसके बाद पार्टनरशिप नहीं चल सकती या उसके बच्चे वगैरह ज्वाइन करते हैं, या अगर एक पार्टनर बीच में बोलता है नहीं भाई अब मैं नहीं करना चाहता काम, तो इस वजह से जो है वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का लेक्चर था। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए। ACC 501 एक हार्ड बुक वीयू की समझी जाती है, लेकिन इंशाल्लाह आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे मज़ीद इस पर वीडियोज़ आती रहेंगी और इंशाल्लाह हम इजीली इस लेक्चर को कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।